250 ग्राम आटा वाटर लिया है। इसको डो बनाने के लिए यहाँ पे हम सॉल्ट, रेड चिली, अनियन एंड ग्रीन चिली, एग और साथ ही सेकने के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। डो बनाने के लिए हमें चाहिए सॉल्ट और वाटर की हेल्प से हमें एक नॉर्मली जो हम अपने डेली यूज में बनाते हैं वैसा डो बना लेना है। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक बाउल में डालेंगे एक अनियन और चॉप हुई हुई ग्रीन चिली। साथ ही यहाँ इसके अंदर जाएगा टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट एंड रेड चिली, आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूसरी तरफ हमने यहाँ अपना पैन रख दिया है गर्म होने के लिए और हम बना लेते हैं अपनी एक रोटी, नॉर्मल सिंपल रोटी, क्योंकि एक्चुअली ब्रेकफास्ट सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि एग हमारे को बहुत अच्छा प्रोटीन देता है। यहाँ पे हमारा तवा गर्म हो गया है, इसके ऊपर हम अपनी रोटी डालेंगे और जो मसाला हमने प्रिपेयर किया था उसको लगा देना है इसके कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक एग हमने इसके ऊपर डाल दिया है और इसे रोटी के ऊपर मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो पहले भी मसाले के साथ एग को मिक्स कर सकते हैं, बट ये भी ठीक है। अब आपको रोटी को फोल्ड कर देना है और इसे फोर्क की हेल्प से लॉक कर देना है कुछ इस तरीके से। फ्लेम को अपना लो रखना है क्योंकि अगर तेज होगा तो वो बीच बीच में से पक जाएगा और शायद अंडा अंदर से कच चला जाएगा। लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है जब तक ये इस तरह ब्राउन हो जाए, बीच में कट लगा लें जिससे अंदर से अच्छी तरह पक जाए और कच्चा ना रहे। इसे प्लेट में केचप के साथ सर्व करें।